मुझे परमहंस योगानंद की आत्मकथा योगी की आत्मकथा बहुत पसंद थी। मैं इस किताब को आधुनिक युग के लिए एक उपहार समझता हूँ और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ योगी की आत्मकथा एक अद्भुत यात्रा है जो पाठक को भारत की प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं से परिचित कराती है। यह हमें दिखाती है कि अपनी समझ का विस्तार कैसे करें और अपने आप को कैसे जानें। मैं तो योगानंद की प्रशंसा एक महान योगी और गुरु के रूप में भी करता हूँ, जिन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान को पश्चिम में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी आत्मकथा एक अनमोल खजाना है जो हमें आध्यात्मिक जीवन की गहराई और सुंदरता को समझने में मदद कर सकता है। यूं तो मैंने सभी को योगी की आत्मकथा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं कहता हूँ यह पुस्तक आपके जीवन को बदल सकती है। यह आपको दुनिया को एक नए तरीके से देखने और समझने में मदद कर सकती है। यह आपको खुद को और अपनी क्षमता को जानने में मदद कर सकती है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती है। यहाँ पर कुछ और विशिष्ट बातें हैं जो मैंने योगी की आत्मकथा के बारे में कही, जैसे यह एक ऐसी किताब है जो योग और ध्यान के रहस्यों को सरल और स्पष्ट तरीके से बताती है। यह एक ऐसी किताब है जो हमें दिखाती है कि प्यार, दया और आनंद का जीवन कैसे जिया जाए। यह एक ऐसी किताब है जो हमें अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी किताब है जो हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक हैं। ये पुस्तक योगी की आत्मकथा मानवता के लिए एक उपहार। यह एक ऐसी किताब है जो हमें अपने और भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकती है। मैं योगी की आत्मकथा को आध्यात्मिकता, व्यक्तिगत विकास या केवल एक अधिक पूर्ण जीवन जीने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह वास्तव में एक प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी पुस्तक है।